بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Your subject is mathematics. Now we are going to start chapter number 5. Student, कौन सा chapter start करने लगे हैं? Chapter number 5. The topic of this chapter is square root of positive numbers. क्या है chapter का name? Square root of positive numbers. स्टूडेंट, स्केयर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है. स्केयर हमारे पास क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स आर इक्वल, ऐसे ही है. जिसकी ये भी साइड, ये साइड एक, ये साइड है, ये साइड है, फोर साइड्स हैं, ये आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. आज हमने यही पढ़ना है, स्केयर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर. स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे वन. Open your book, page number 60. Open your book, page number 60. जी स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं स्केयर रूट क्या होता है. मैंने एक बात आपको अभी बताई है कि स्केयर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ये शेप नेम है जिसकी फोर साइड्स आर इक्वल. हमने इसका एरिया ऑफ स्केयर पढ़ा था. एरिया ऑफ आर स्केयर, जी स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. मैंने लेट किया साइड इक्वल टू क्या है? एक्स के है. मैंने क्या लेट किया? फर्ज करें कि इसकी एक साइड एक्स के इक्वल है. साइड में पुट कर देंगे फॉर्मूले में हम इसको, x मल्टीप्लाई बाय x, 2x है, सेम डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का स्केयर आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर देखें, हमने एरिया फॉर स्केयर पढ़ा हुआ है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. लेट कर लिया, साइड हमारे पास क्या है? x के इक्वल है. x को x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? x का स्केयर आ गया. ये जो x का स्केयर आ रहा है, यहीं से हमने जो है अपना चैप्टर शुरू करना है. क्या है? स्केयर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर. स्केयर रूट क्या है? टू नंबर्स का प्रोडक्ट, वो क्या कहलाता है? स्केयर रूट कहलाता है. क्या डेफिनेशन है इसकी? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट्सेल्फ, कि एक ऐसा नंबर, दो नंबर होंगे, दोनों सेम होंगे. अगर आपने फर्स्ट नंबर वन लिया है तो दूसरा नंबर भी क्या होगा? वन होगा. दोनों का आपस में जो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. क्या मतलब होता है इसका? मल्टीप्लाई. दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? स्केयर रूट कहलाता है. इससे पहले स्केयर रूट को हम आगे सॉल्व करें, हमें कुछ सेट्स पता होने चाहिए. सबसे फर्स्ट नंबर पे सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर. जी स्टूडेंट, हमने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर, अप टू सो ऑन. ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. सेकंड हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. ज़ीरो, वन, टू, थ्री, अप टू सॉन, ये क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए. कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो टू के टेबल पर डिवाइड होते हों. टू, फोर, सिक्स, एट, टेन एंड अप टू सोन. स्टूडेंट, आपके चैप्टर नेम में एक चीज़ लिखी हुई है, पॉजिटिव नंबर्स.
कि आपने स्क्वायर रूट किस में लेना है, पॉजिटिव नंबर्स में लेना है। आप देखिए मैंने आपके सारे नंबर्स पॉजिटिव में लिखे हैं, नेगेटिव में तो नहीं ना लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। दूसरी चीज़ देखें, ऑड नंबर्स क्या है जी? ऐसे नंबर जो टू के टेबल पर नहीं डिवाइड होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सोन, ये हमारे पास नंबर आ गए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं आगे। इन सब के अकॉर्डिंग हमने स्क्वायर रूट लेना है। देखें जी, मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ये डेफिनेशन थी कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट्सेल्फ क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा? 1। 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 4। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 9। अब टू सोन चलते जाएंगे, ऐसे ही होगा जी स्टूडेंट। अब इसमें एक और चीज़ देखें, मैं ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर किस में आ रहा है? ओड में आ रहा है। इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर किस में आ रहा है? इवन में आ रहा है। अगली दो कंडीशंस हमारी यही होंगी जो हमने सॉल्व करनी है। क्या है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, कि अगर आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में? इवन नंबर ही आएगा। ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आएगा? ओड नंबर में ही आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पेज नंबर 60 देखें, अंडरलाइन करेगा स्टूडेंट आप, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखें लास्ट लाइन इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ आ नंबर विद इट्सेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर, ये आपकी डेफिनेशन है स्क्वायर की। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, कि नेचुरल नंबर क्या है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप दो को मल्टीप्लाई करते, जैसे मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आया है? 1 आया है। तो देखिए नेचुरल नंबर में 1 लिखा हुआ है, फिर नेचुरल नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या है? 2 है। 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 4 आया है। नेचुरल नंबर में 4 है, ये 4 है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि आप अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, आपने जो अंडरलाइन करनी है पेज नंबर 61 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स जी। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर, अंडरलाइन कर लें। पेज नंबर 62, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड, इसे भी अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट देखें हेडिंग क्या लिखी हुई है। नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है द स्क्वायर रूट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जी स्टूडेंट। प्रॉपर कि अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका कंपेयर कैसे करेंगे? मेरे पास लिखा हुआ है 2/5, इसका मैंने स्क्वायर लिया। 2/5 का स्क्वायर का मतलब है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ऐसे ही स्टूडेंट एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट दिया होगा उतने टाइम वो मल्टीप्लाई होगा। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि आपने इसे कंपेयर करना है जो आपके पास गिवन है नंबर, कि इन दोनों नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, 2/5 इक्वल टू 4/25। ठीक है, 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50। अब भी यहाँ पे आपने इक्वल नहीं लगाना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। जी स्टूडेंट कौन सी वैल्यू बड़ी है? 50 बड़ी है।
या के पास आ जाएगा साइन। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपके पास कौन सा नंबर बड़ा है, 2/5 बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, ये कंपेयर करना है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है, द स्केयर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल। कि डेसिमल, अब आपने डेसिमल का स्केयर लेके बताना है, जिस तरह हमने यहाँ पे कंपेयर किया है इसी तरह हमने कंपेयर करके बताना है कि 1 से जितने छोटे नंबर हैं क्या वो एक दूसरे से ग्रेटर हैं या 1 से ग्रेटर तो नहीं आ रहे आंसर। ये हमने कंडीशन को अप्लाई करना है। देखें जी, मैंने एक वैल्यू ले ली 0.3, देन मैंने उसका स्केयर ले लिया। स्केयर का मतलब है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। डेसिमल को आप रिमूव कर देंगे, ख़त्म करेंगे, इसको ख़त्म किया तो क्या नीचे आ जाएगा, 1, 3 के बाद 0, 1 एंड 0, क्या रह गया 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10। 3 3 9, 10 10 100। कोई प्रॉब्लम इसमें? डेसिमल में क्वेश्चन लिखा हुआ था तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए। डिवाइड कर लें इसको, नाइन आपके पास अंदर आएगा और 100 से हम डिवाइड करेंगे। क्या 100 के टेबल पे 9 आता है स्टूडेंट? नहीं आता। पॉइंट लगाएं, डेसिमल पॉइंट लें और आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बताएं क्या 100 पे 90 आता है? नहीं आता। अब हम इस डेसिमल पॉइंट से एक और जीरो ले लेंगे। एक ही दफ़ा हमने कितने जीरोस लिए हैं? 2 लिए हैं। इसकी वजह से हम क्वेश्चन में क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा दें। सबको ये बात बताई थी मैंने, 6th क्लास से हमने डिवीजन के क्वेश्चंस किए थे। 100 के जगह अब 900 जाता है। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 100 9 9 100, माइनस किया 0। जी स्टूडेंट, क्या आंसर आ रहा है, 0.09। अब आपने कंपेयर करना है 0.3 0.09। जी स्टूडेंट, अब आपने ये नहीं देखना कि ये 3 है ये 9 है, ये तो 9 वाला बड़ा होगा, ये नहीं है। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, मतलब एक डिजिट आ रहा है। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, 0, मतलब ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बड़ी वैल्यू है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, छोटी वैल्यू है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी में ऐसा हो। मैंने आपको ये कभी बताई है बात कि हमने जब पहले फ्रैक्शन में देखा तो हमारे पास आंसर वाला नंबर बड़ा था और वो क्या था, छोटा था। यहाँ पे देखा तो 0.3 बड़ा है और 0.09 क्या है, छोटा है। लेकिन ये दोनों 1 से क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन 1। ऐसे ही स्टूडेंट जी, स्टूडेंट अब हमारा डे 1 का काम मुकम्मल हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 2। स्टूडेंट पेज नंबर 63 सबने ओपन कर लिया है, अपनी नोटबुक भी रेडी कर लें। ठीक है, जिस तरह मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी आपने अपने कॉपी पे जो है लिखने हैं और उसे समझना है। एक्सरसाइज नंबर है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट पढ़ें, फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्केयर लेना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है 6। जब आपको लिखा हो कि स्केयर लेना है तो देखें 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्केयर का, स्केयर की डेफिनेशन यही है कि आपने प्रोडक्ट लेना है विद इटसेल्फ, कि उसी नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। 6 6 का क्या होता है स्टूडेंट, 36। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड देखें, 5 लिखा हुआ है, 5
5 को देख लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 to 12 आपने खुद सॉल्व करने हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 to 12 आपने खुद सॉल्व करने, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 59। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर का हमें किस तरह पता चलेगा। आपने 59 का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे रफ वर्क में। जी देखें, थ्री के डिवीजन में करते हैं, थ्री वन दार थ्री, टू कैरी नहीं जाता। मीन 59 किस टेबल पे जाता है? अपने ही टेबल पे जाता है, 59 वन दार 59। क्या फैक्टर बना है? 59 यही बना है ना। तो क्या दो दफ़ा 59 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है 625। एलसीएम लेंगे, लास्ट पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 5 पे जाएगा। 5 1 दा 5, 1 5 2 दा 10, 2 5 5 दा 25, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, 5 5 दा 5 1 दा 5। अब आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया, दो दो पेयर बन रहे हैं। मतलब कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, स्क्वायर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 625 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप देखें इसमें आपने किस तरह लिखना है, आप लिखेंगे ईच फैक्टर ऑफ 625 फॉर्म्स ऑफ पेयर। पेयर का क्या मतलब होता है कि ये जो मैंने बनाए हैं, ये दो नंबर्स थे, मैंने इसका एक पेयर बना दिया कि पेयर में दो होते हैं, ठीक है। ये था, मैंने इसमें दो फाइव लिखा था, मैंने इसका एक पेयर बना दिया। तो ईच फैक्टर ऑफ 625 फॉर्म ऑफ पेयर, सो इट इज आ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आपने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 to 8 सॉल्व करने हैं, ये सेम मेथड पे हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, विदाउट सॉल्विंग के आपने सॉल्व किए बगैर सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब देखें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 441। स्टूडेंट आपने एक किसकी पहचान देख लें, ये एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है। अब आपने बताना है कि इवन और ऑड कौन कौन से हैं। देखें जी, लास्ट पे कौन सा नंबर आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। क्या 1 जो है 2 के डिवीजन पे डिवाइड होता है? 2 के डिवीजन पे डिवाइड नहीं होता। तो ये क्या है आपके पास, ऑड है। क्या है ये, ऑड है।
अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट नंबर जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, 4। क्या 4 टू के रेवे पे डिवाइड होता है? जी होता है, तो ये क्या है आपके पास, इवन है, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 144। लास्ट नंबर कौन सा है? 4 है, तो ये क्या होंगे, इवन नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2401। लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो ये क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। 4 देखें, 6561। लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है? 1, तो ये क्या है, ऑड है। इसी तरह हमने 5, 6, 7 और 8 सॉल्व कर लेने हैं। स्टूडेंट डे 2 का काम हमारा मुकम्मल हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 3। एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 4। 3 सॉल्व हो गया था हमारा जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द स्केयर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। कुछ मैंने फ्रैक्शन लिखी हैं, फर्स्ट है 1/4, 5/6, 1/7, 9/10, ठीक है, ये मैंने 4 फ्रैक्शन लिखी हैं। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है। क्या मैंने बोला, डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर छोटा हो। अब देखें 1/4, डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/7, 7 बड़ा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखें लास्ट वाला 9/8। 9/8 स्टूडेंट, 8 हमारे पास क्या है, छोटा नंबर है, और 9 क्या है, बड़ा नंबर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट। अब आपने ये याद रखना है, आगे हमने इसे क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4, स्टेटमेंट पढ़ लें, फाइंड द स्केल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, also compare them with itself। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करें, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। 3 3 = 9, 4 4 = 16। कोई प्रॉब्लम इसमें, यह हमने इसका स्केयर लिया। अब देखें आप यहाँ नीचे लिखेंगे कंपेयर फर्स्ट आ जाएगा 3/4, ठीक है, और यहाँ कहाँ क्या लिखेंगे, 9/16, ठीक है। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 = 36, 16 3 = क्या होता है स्टूडेंट, 48। अब आप बताएं कौन सा नंबर बड़ा है, 48 बड़ा है, ऐसे ही है। तो अब आप क्या लिखेंगे नीचे, फ्रॉम, ये नहीं लिखना चाहिए, आप यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी observe
दैट द स्केयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 8 cells, कॉमा लगा के दैट इज कॉमा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4 9/16 के 3/4 है 9/16 से कोई प्रॉब्लम है इसमें स्टूडेंट आपने ये हर किसी क्वेश्चन में लिखना है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द स्केयर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ दैट इज 3/4 ग्रेटर देन 9/16 ये आपके पास आंसर आ गया ठीक है अब आपके पास आपने क्वेश्चन नंबर 4 का 2 part 3 and 4 आपने खुद सॉल्व करना है ठीक है नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है फाइंड द स्केयर्स ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ इनको आपने कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है जी 5 है फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 0.4 जी स्टूडेंट पहले आप सबसे पहले इसका स्केल लेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डेसिमल खत्म करें 1 and 0 4 0 स्किप हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10 4 4 16 10 10 100 रफ वर्क में देखें क्या इसका आंसर आता है 0.016 आई थिंक 0 नहीं आएगा इसमें 100 है 16 पॉइंट लगा के 0 0 1 द 101 द 100 माइनस किया 6 0 पॉइंट लगा हुआ 0 जी 0.16 अब आपने कंपेयर कर लेना है 0.4 0.16 जी स्टूडेंट कंपेयर करेंगे हम इसे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 इस डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 1 तो कौन सा नंबर बड़ा है इसमें 4 वाला तो यहाँ पे क्या देगा ये लिखा रहा है इसी तरह हमें यहाँ पे लिखना है इट कैन बी ऑब्जर्व या हम यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं लिखेंगे आप यहाँ पे 0.16 इज स्मॉलर देन 0.4 ये इसका आंसर कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 3 and 4 आपने खुद सॉल्व करना है ठीक है आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट हो गई है और डे थ्री का काम भी आपका कंप्लीट हो गया है नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4 माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 64 स्टूडेंट वर्क फॉर 1, 2, 3 में हमने स्केयर पढ़ा और परफेक्ट स्केयर पढ़ा आज हमने क्या सीखना है आज हमने सिंबल सीखने हैं स्केयर रूट के सिंबल क्या सीखने हैं आज आपने स्केयर रूट का सिंबल सीखना है आपने पढ़ा कि 2 multiply by 2 equal to 4 ठीक है अगर मैं इसको चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग लिखूं एक्सपोनेंट के 2 raised to power 2 equal to 4 ठीक है स्टूडेंट आपने ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है चैप्टर नंबर 4 के अब आपने चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है स्केयर रूट फाइंड करने हैं स्केयर रूट फाइंड करने का सिंबल क्या है ये है
इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेडिकल कहते हैं। फिर भी मैं बता रही हूँ ये किस चीज़ का सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को, इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज़ कर लेती हूँ, स्क्वायर रूट भी कहती हूँ या रेडिकल, रेडिकल साइन यूज़ करती हूँ, तो स्टूडेंट ये टू इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, मैंने इसके टू नाम बोल लिए, फर्स्ट हम इसे कहते हैं रेडिकल, सेकेंड नाम क्या है स्क्वायर रूट, इसका थर्ड नाम क्या है अंडर रूट। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पे ये टू और अंडर रूट किस तरह कैंसिल किया, आपने अपनी बुक पे ये नोट लिखना है कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, क्या वैल्यू होती है अंडर रूट की? 1/2 होती है। अगर आपके पास अंदर लिखा हुआ है 2^2, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/2 क्या हो रहता है, कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2^1 आ जाए। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर देखें, 2 × 2 = 4, ये आप सबको पता है कि 2 × 2 का क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं इसमें चैप्टर नंबर 4 की तरह लिखूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में 2^2, ठीक है, ये हमने चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग लिखा। अब मैं चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैंने रेडिकल साइन यूज़ किया, यहाँ पे रेडिकल साइंस की क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, 2 squared is 4, इसको हमने पढ़ा था, अंडरलाइन करेंगे आप स्टूडेंट। फर्स्ट देखें, आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट्स पे नंबर 64 पे, सबने देख लिया है, आपने अंडरलाइन करना है वेयर ये साइन बना हुआ है, इज कॉल्ड रेडिकल साइन। अब देखें, एक और चीज़ भी उन्होंने बताई हुई है, मैंने अंडर रूट के अंदर एक नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल 2 है, इस 2 को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो लिखा होता है या रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा जाता है नंबर, उसे हम कहते हैं रेडिकल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपने इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। ओके स्टूडेंट, सबने अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास हेडिंग दी हुई है फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जी स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और अपने टेबल पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। जी स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, एलसीएम से। ऐसे ही है, एलसीएम आप लेंगे, जो साइड पे नंबर्स दिए जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। स्टेप 2 देखें क्या है, स्टेप 2 लिखा हुआ है टेक द स्क्वायर रूट, नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप देखें, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है, स्टेप 3 में आपने करना है राइट देम एज अ पेयर। जी स्टूडेंट, पेयर किसे कहते हैं, जोड़े को, मतलब कि आपने 2 नंबर्स को 1 जो है कहा है कि ये 1 है,
जिसमें आपके बहन भाई हैं, तो आप दो बहन भाई हैं, हम कहेंगे ब्रदर्स हैं, तो ब्रदर्स में टू आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे। ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के आपने पेयर बनाने हैं कि दोनों में सेम हो। स्टेप फोर देखें, फिर आपने लिखना है राइट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच परफेक्ट स्क्वायर, ऑफ ईच परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आपके पास स्क्वायर रूट में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप सॉल्व करेंगे, आपके पास फोर स्टेप्स हैं, इन्हें यूज करना है और देन आपने इसको अप्लाई करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 36। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे मिले इसका रफ वर्क में एलसीएम लिया जी स्टूडेंट, 36 है, 2 के रिवे पे जाता है, 2 1 इज 2, 1 कैरी, 2 8 दर 16, 2 9 दर 18, 3 3 दर 9 एंड 3 1 दर 3। ये सारे हमारे पास क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखेंगे 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट स्टेप हो गया फाइंड प्राइम फैक्टर्स। स्टेप टू देखें, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। अब आप लिखेंगे 36 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर्स के क्या बनाने हैं, हमने पेयर बनाने हैं, पेयर बनाएंगे। ये देखिए जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जी स्टूडेंट, मैंने इसमें पेयर के लिए ब्रैकेट यूज़ किया, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब देखें आगे हमने क्या करना है। पेयर बनाने का मकसद क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रेज टू पावर 2, और यहाँ पे 36 एज इट इज लिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें, 2 नंबर्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट, जब आपके पास 2 नंबर्स लिखे हों और सेपरेट हों तो आप उन्हें अंडर रूट को डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। ये देखें 36, ये लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, राइट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर पे आपने अलहदा अलहदा क्या करना है, स्क्वायर रूट यूज करना है। ओके, स्टेप 4 हमारे कंप्लीट हो गया, इन दोनों को कैंसिल कर दें, 2 2 से अंडर रूट से कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 का क्या होता है स्टूडेंट, 6 होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अंडर रूट 36 या रेडिकल ऑफ साइन, रेडिकल सिंबल के अंदर जो 36 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास, 6 आता है। आप वैसे भी कह के देख लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, 36 होता है। तो अंडर रूट जब हम लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, नेक्स्ट देखें पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पे स्टूडेंट एक लाइन लिखी हुई है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ आ परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज इन द पेयर, कि आपने प्राइम फैक्टर्स के हमेशा क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ओके, ये आप अंडरलाइन करेंगे, सब स्टूडेंट्स ने कर ली है अंडरलाइन।
नेक्स्ट देखें, पहले हमने तरीका सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने जो तरीका देखना है बाय फ्रैक्शन, ठीक है, स्क्वायर रूट बाय फ्रैक्शन देखना है। इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर और थर्ड है कंपाउंड। इसको हम सॉल्व करेंगे। बाय फ्रैक्शन, डी कौन कौन सा है? फर्स्ट पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है कंपाउंड फ्रैक्शन। स्टूडेंट, हमने क्लास फोर में और क्लास फाइव में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड पढ़ा था, मिक्स्ड पढ़ा था। क्लास सिक्स में उन्होंने क्या कह दिया उस वर्ड को? मिक्स को कंपाउंड कह दिया। आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए जी, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर छोटा होता है, ठीक है जी। आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर हमने किया था 4। हमारे पास क्या लिखा हुआ था? 3/4, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। इसमें देखें डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमिरेटर से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिरेटर, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिरेटर से, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट के लिखा हुआ है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर मैंने लिख लिया है यहाँ पे 8/3, इम्प्रॉपर में होता है कि न्यूमिरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या आप लिखेंगे? न्यूमिरेटर ग्रेटर देन और डिनोमिनेटर स्मॉल, वो क्या कहलाता है आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हमने पढ़ना है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, या मिक्स फ्रैक्शन? इसमें आपके पास दो चीज़ें यूज होती हैं। फर्स्ट है होल नंबर, होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या यूज होता है इसके अंदर? मिक्स फ्रैक्शन में या कंपाउंड में होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का आपस में लिखना क्या कहलाता है? मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/3, तो बेटा यहाँ पे 1 क्या है? होल नंबर है। 1/3 क्या है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट हमने पढ़ना है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। डेसिमल में अब आपने यूज करना है, बाय डेसिमल।
जी देखें, डेसिमल में आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, चेंज द डेसिमल। जी स्टूडेंट, हम डेसिमल को किस तरह रिमूव करते हैं, डेसिमल को हमने रिमूव किया और हम उस नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। आप लिखेंगे चेंज द डेसिमल इन टू अ फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप टू। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, आपने फर्स्ट, आप ये बाकी सारा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह होगा, बस उसमें क्या है कि आपने उसको चेंज करना है डेसिमल को फ्रैक्शन में। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 0.3 लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करती हूँ, पॉइंट मैंने रिमूव किया, यहाँ नीचे क्या रहेगा 1 और देन 103 के नीचे क्या रहेगा 0, क्या रह गया 3/10। डिनोमिनेटर क्या है इसका, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर क्या है छोटा है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। पहले आपने 3 का एलसीएम लेना है, फिर आपने 10 का एलसीएम लेना है, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको आपने कटिंग कर देनी है, मतलब आगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही काम होगा, ठीक है, ऐसे ही है। अब आज हमने क्या पढ़ा, इस दिन में हमने फ्रैक्शन पढ़े, सॉरी हमने स्क्वायर रूट पढ़ा, स्क्वायर रूट का सिंबल। नेक्स्ट हमने पढ़ा फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के अमल से हमने सीखा स्क्वायर रूट, फिर हमने सीखा बाय फ्रैक्शन, किसे सीखा हमने, फ्रैक्शन की सूरत से सीखा, लास्ट हमारा था डेसिमल की सूरत से सीखना। स्क्वायर रूट को हमने 3 टाइप्स में हमने जो है फाइंड करना है, फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड है फ्रैक्शंस, नेक्स्ट थर्ड है डेसिमल, ठीक है जी। 3 पार्ट से आपने इसे डिवाइड करना है। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 5। डे 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.2 हमने करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। स्टूडेंट ओपन योर बुक एंड नोटबुक, सबने कर ली है, पेज नंबर 67, सबने पेज नंबर 67 ओपन कर लिया। एक्सरसाइज नंबर 5.2 मैं आपको जैसे जैसे करवाऊंगी आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ओके स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने फ्रैक्शन की सूरत करना है या डेसिमल, कुछ भी नहीं कहा हुआ, सिर्फ उन्होंने क्या कहा हुआ है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप लिख लें अंडर रूट 4 इक्वल टू 4 का आप एलसीएम लें। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, 4 का आपने एलसीएम लेना है, 2 2 4 2 1 2। जी स्टूडेंट यहाँ पे क्या रहेगा, 2 × 2। नेक्स्ट आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, बोथ साइड आप अंडर रूट ले लें या स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा स्टूडेंट, टू मल्टीप्लाई बाय टू पेयर एक ही बन रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर, आज ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया,
किसी को कोई प्रॉब्लम? अंडर रूट 4 का आंसर क्या आया? 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक काम कर दिया है, आगे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, बहुत सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होगा आपका? 4, 6, 8 and 9, sorry 11, ये सेम मेथड यही होगा, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट और 11 पार्ट। 3 पार्ट देखते हैं। 36 का आप एलसीएम लेंगे, 2 के रेवे पे जाता है, 2 1 दर 2 1 कैरी, 2 8 दर 16, 2 9 दर 18, 3 3 दर 9 और 3 1 दर 3। थर्टी सिक्स टू मल्टीप्लाई बाय थ्री टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पेयर बना लें। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, देन क्या आएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये दोनों इसे कैंसिल हो जाएंगे। आगे आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए सेम कौन कौन से हैं। 5, 7, 9, 10 एंड 12। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट और 3 पार्ट के, ठीक है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, 144। सबसे पहले आपने क्या करना है, रफ वर्क में 144 का एलसीएम लेना है। चलें स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे एलसीएम लें। सब स्टूडेंट्स ने ले लिया है। अब देखिए मैं लेने लगी हूँ। रफ वर्क के लिए लाइन लगाएं कॉर्नर पे, राइट साइड पे, और 144 का हमने एलसीएम लिया। 2 7 14, 2 2 4, 2 के पे रहता है, 2 3 6, 1 रह गया 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2 1, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले आपने लिखना है 144 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
144 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट हमारा कि हमने इसे क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दूसरा और ये तीसरा पेयर। 144 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना था कि हर परफेक्ट स्क्वायर को हमने एक अलहदा स्क्वायर रूट देना था। ये देखें जी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? 144 ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यही बच गया। मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। जी स्टूडेंट, 12 को 12 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 144 आता है। क्या आंसर आता है स्टूडेंट? 144 आता है, ऐसा ही है। कोई मुश्किल है इसमें? अब आपने अपने क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट 3 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसे मेंशन कर लें जो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट 3 4 5 6 7 ये सेम इसी मेथड से होंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो 4 नंबर्स हैं इसलिए मैं चाहती हूँ मैं आपको खुद करवा दूँ। रेडी कर लें अपनी कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, 1225 इसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू रफ वर्क में एलसीएम लेंगे, 1225 फाइव के रेवे पे 5 2 10 2 कैरी 22 बन गया, 5 4 20 2 कैरी, 5 5 25 फाइव के रेवे पे देखें, 5 2 4 20 4 कैरी, 5 5 45 7 7 49 7 1 7। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? फैक्टर्स लिख रहे हैं आप इसमें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वन डबल टू फाइव इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 पेयर बना लें, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, हमने इन्हें सेपरेटली लिख लेना है। ये स्क्वायर इसे कट गया, ये स्क्वायर इसे कट गया, क्या रह गया जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 35। कोई प्रॉब्लम इसमें जी स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम? सिर्फ 4 वैल्यूज थी इसीलिए मैंने आपको खुद करवाया है, और कोई वजह नहीं थी। अब आपने अपना क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 खुद अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 10, 11 और 12 खुद सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 49/81 स्टूडेंट फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है, आप ये मत समझिएगा कि सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया या ये हो गया। अब आपने देखें, आपने एक नंबर सॉल्व किया है ना, अब आपने 2 नंबर का एलसीएम लेना, बस इतना सा फर्क आएगा। और ज्यादा क्या आ जाएगा कि आपने लास्ट में कटिंग करनी होगी, आपके पास आंसर फ्रैक्शन में आएगा,
हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाए, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 49/81, बहुत ध्यान से इक्वल का साइन लगाना है, इसी के साथ आपने ये लाइन यूज़ करनी है। अब आप देखें रफ्त में 49 का हमने स्केयर रूट सॉरी एलसीएम लिया, 7 7 द 49 7 1 द 7, यहाँ पे क्या रहेगा 7 × 7। नेक्स्ट देखें जी 81, 3 के टेबल पे 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। आप यहाँ पे देखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। (49/81) = 7 × 7 और 4 × 3 × और पेयर बनाएंगे, जी पेयर बनाए तो क्या बन गया 7 × 3 × 3। ऐसे ही है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट को डिवाइड कर देना है पार्ट्स में, जितने प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं उतने ही हमारे पास अंडर रूट आ जाए। कोई प्रॉब्लम जी इसमें, ये स्केयर इसे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास 7, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 9। जी स्टूडेंट यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर क्या है जी छोटा है, ऐसे मैंने क्या बताया था, इसे हम क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसको, हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये दोनों सॉल्व होंगे, ये सेम है मेथड, ठीक है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट हो गया।